तो ये बड़ा बयान दिया गया है लक्ष्मण सिंह ने। दरअसल राहुल गांधी के बयान पर प्रतिक्रिया दी अपनी, उन्होंने उसे अशोभनीय बताया है और ये कहा कि सदन के अंदर आपको जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर ही बात करनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ अब आपको ये बता दें कि लक्ष्मण सिंह को लेकर खिलचीपुर विधायक ने भी बयान दिया। उमंग सिंघार कुछ कह रहे हैं। विपक्ष के मुद्दे को लेकर चर्चा करने के लिए तो एक ये मनोवैज्ञानिक जीत रहती है संगठन की, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ घोटाले की पे घोटाला, इसकी जो सुरंग पे किनारे पहुंच गया, सुरंग का रास्ता खोला जाएगा विश्वास सारंग का। लक्ष्मण जी जाने यार। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार को आपने सुना। दरअसल नर्सिंग घोटाले को लेकर ही वो बात कर रहे हैं कि सदन के अंदर इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया जाएगा। एक बार फिर से चिकित्सा जो पूर्व चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं विश्वास सारंग, उन्हें ही लेकर ये बातें कही जा रही हैं। कई तरह के आरोप कांग्रेस की ओर से उन पर लगाए गए। लेकिन दूसरी तरफ अब बात अगर हिंदुत्व की जाए, हिंदू की जाए, तो उस पर भी राव उदय प्रताप सिंह मंत्री इस वक्त पहुंच चुके हैं विधानसभा, उनसे बात करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन लोकसभा में जो हुआ उसको लेकर लक्ष्मण सिंह ने टिप्पणी कर दी, उन्होंने कहा कि अशोभनीय है, अपनी ही पार्टी को घेर दिया है, राहुल गांधी का ये कहना है। लक्ष्मण सिंह जी समय समय पर चेताने का काम करते रहते हैं, मुझे लगता है एक अच्छे राजनेता की पहचान है। चलिए, तो अच्छे राजनेता की पहचान है। ये थे उदय प्रताप सिंह, आरटीयू मंत्री है और कह रहे हैं, लेकिन ये मुद्दा और गरमाने वाला, नरसिंह घोटाले को लेकर बात करें या फिर लक्ष्मण सिंह के बयान पर भी ये कहा है कि वो अच्छे व्यक्ति है। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बसर न्यूज भोपाल। तो देखिए, आपने तमाम जो लीडर्स हैं उनकी प्रतिक्रिया सुन ली है। एक तरफ हजारीलाल दांगी कह रहे हैं कि उन्हें बीजेपी में लाने का प्रयास किया जा रहा है, दूसरी तरफ राव उदय प्रताप सिंह को आपने सुना, वो ये कह रहे हैं, वो ये कहते सुनाई दे रहे हैं राव उदय प्रताप सिंह के, ये अच्छे लीडर की क्वालिटीज होती है, पहचान होती है। सीधे रुक करते हैं, हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी इस वक्त लाइव जुड़ गए। मनोज जी, बात बार बार वही हो रही है कि एक तरफ नरसिंह घोटाला, लेकिन दूसरी तरफ मुद्दा राहुल गांधी का दिया हुआ बयान भी अब बन चुका है। लेकिन ध्यान आकर्षित कर रहा है खिलचीपुर विधायक का बयान, जो पहले खुद ही कांग्रेस में रह चुके हैं और वो कह रहे हैं कि हम लक्ष्मण सिंह को भी बीजेपी में लाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, खिलचीपुर से विधायक हम हजारीलाल दांगी की बात करें या राजगढ़ विधायक की बात करें, तो ऐसा लग रहा है कि लक्ष्मण सिंह लगातार बयान भी दे रहे जया, और वो ऐसा लगता है कि अपनी ही पार्टी यानी कांग्रेस को मुश्किल में डालते। हालांकि वो कहते बड़ी साफ गोई से वही बात कहते हैं जो साफ बात होती है, उसको लेकर वो जाने भी जाते हैं, लेकिन उनकी बातों को लेकर कई बार ये अंदाजा भी लगाया गया। पहले भी वो भारतीय जनता पार्टी से सांसद रहे हैं, एक बार बीजेपी में आ गए थे, फिर कांग्रेस में वापस चले गए, और अब लगातार जो बयान आ रहे हैं आज खिलचीपुर विधायक ने, तो लगभग ये तय कर दिया है कि उनको लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। वो कह भी रहे लगातार हम संपर्क में है, हमारी विचारधारा से जुड़े हैं, उसी बात को राजगढ़ के विधायक भी कह रहे हैं। तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में लक्ष्मण सिंह भी आ सकते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर है कि लक्ष्मण सिंह को भारतीय जनता पार्टी में लाने के प्रयास तेज हैं, उनके बयान भी उसी तरह के मेल खा रहे हैं। लेकिन अभी हमने उमंग सिंघार से जब पूछा तो वो उस बात को टाल गए, उन्होंने अपनी तरफ से कोई जवाब नहीं दिया। अब देखना होगा कि कांग्रेस की तरफ से किस तरह का बयान इसको लेकर आता है, पर ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में लक्ष्मण सिंह की जो विचारधारा बदल रही है वो कहीं बीजेपी से मेल खाती हुई नजर आई। मनोज जी, लेकिन ये क्या अगर इसे देखा जाए तो किस तरह से देखा जाए, क्या विचारधारा बदलना वाकई में इस ओर दर्शा रहा है कि लक्ष्मण सिंह कहीं ना कहीं बीजेपी की ओर आकर्षित हो रहे हैं, या ये कहें, क्योंकि वो तो हमेशा ही अपनी पार्टी पर सवाल खड़े करते हैं, हमेशा ही बयानों के खिलाफ जाते हैं, तो क्या इसी लाइन में ये बयान माना जाए? देखिए, इस लाइन में तो माना ही जाएगा जाए, लेकिन आप समझिए इस समय महत्वाकांक्षाएं भी बहुत बड़ी है। मध्य प्रदेश में सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। 5 वर्षों तक तो 163 सीटें लेकर आए तो कोई चांस ही नहीं है कांग्रेस बीजेपी की सरकार रहना, कांग्रेस की सरकार आना नहीं है। केंद्र में सरकार किसकी है? एनडीए की है। तो आप कुछ भी बयान देते रहिए, मैंने 5 वर्ष, और 5 वर्षों के बाद राजनीति बहुत तेजी से बदलेगी। दिग्विजय सिंह होंगे या नहीं होंगे, कमलनाथ होंगे अथवा नहीं होंगे, लक्ष्मण सिंह होंगे अथवा नहीं होंगे, तो मुझे लगता है सभी को अपना भविष्य भी दिखाई देता है। लेकिन ये बात सच है कि बीजेपी की विचारधारा से उनकी विचारधारा कुछ ज्यादा मेल खा रही है, और इस पर जरूर नजरें मनोज जी बनाए रखनी होगी कि मध्यप्रदेश का जो राजनीतिक घटनाक्रम है वो किस तरह से बदलता है। फिलहाल शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हुए बात अब शहर सरकार